हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ केवल सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो होता है मैथ में वो होता है 2 × 5, मतलब 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 10 मार्क्स का होता है। पहला क्वेश्चन लिया हमने, sec स्क्वायर ए इक्वल टू 29/20, तो tan a प्लस cot a हमें फाइंड करना है। आइडेंटिटी लगा दें हैं, sec स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 tan² a = 29/20। ठीक है, tan स्क्वायर ए निकाल लेते हैं यहाँ से, tan स्क्वायर a इक्वल हो गया 29/20 - 1 = 29 - 20/20 = 9/20। ओके, तो tan a की वैल्यू हो गई, tan a इक्वल टू √9/20, मतलब 3/√20, और cot a क्या हो जाएगा, cot a हो गया अपना, tan a का रेसिप्रोकल होता है तो √20 ऊपर गया और 3 नीचे आ गया। ठीक है, तो tan a प्लस cot a हो गया अपना, tan a प्लस cot a की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू, tan a कितना था, 3/√20 प्लस √20/3 इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे क्या, 3/√20 एलसीएम ले लिया हमने, 3/√20। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी 9 प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 29/3/√20 वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, आप √20 को आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 149/7, मतलब मीन दे रखी है आपको 149/7। ठीक है, मीन आपको 149/7 गिवन है और आपको इंटरवल गिवन है 0 से 20, और 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, और बस इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी f है आपकी 10x 8 12 10x 8 और 12। ठीक, तो हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू, वो पूछता है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताइए। ठीक, तो क्या निकालेंगे इसके लिए, xi क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2, मतलब 5, और कितना गैप है इसके बीच 10 का, ऐड करते जाओ 15, 25 और 35। ठीक, आप क्या करेंगे हम, ठीक है, अब द मीन ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x, और कुछ हमको गिवन नहीं है, तो एफ आई एक्स आई निकाल लो, 15x 200, और ये हो जाएगा आपका 12 × 5 = 60, का 0 carry 6, 12 × 400 = 420। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिए, एफ आई एक्स आई, ये कितना हो गया अपना 0, पहले इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 50, ये कितना होगा 470, 5 और 2, ठीक, 4 और 2 6 670 प्लस 15x। ठीक, एफ आई, समीशन एफ आई, इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा अपना 30 प्लस x। अब आपको मीन गिवन है तो मीन का फॉर्मूला लगा दो, मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, समीशन एफ आई एक्स आई, ये रहा इक्वल टू 670 प्लस 15x डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई, कितना आपका 30 प्लस x। ठीक है, इम्प्लाइज दैट किसके इक्वल है, ये 149/7 के, 149/7 क्रॉस मल्टीप्लाई की 7 इधर लिया, 7 0 0, 7 7 49 का 9 carry 4, 7 6 42 और 4 46, 4 6 9 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 105x इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करिए 0 3 9 27 का 7 carry 2 3 4 12 और 2
14 का 4 कैरी 1, 3 1 जा 4, 4 7 0, 4 4 7 0, ठीक है, 4 4 7 0 प्लस 149 149 x, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 4690 माइनस 4470 को मैंने ले लिया इधर, और इधर आ गया 149 x माइनस 105 x, ठीक है। 9 माइनस 5 4 44 x, 44 x, ठीक, 44 x अब है अपना 44 x इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, 0, 9 माइनस 7 2, ठीक, और 6 माइनस 4 2, 220, तो x इक्वल टू 220 अपॉन 44, 2 से कट कर दो 22, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा अपना 110, ठीक है, या सीधे 22 से इसको काट देते हैं, 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 5, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉल्व 3x प्लस 5y इक्वल टू 5, 3x प्लस 5y इक्वल टू 5, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 11, क्लियर। इनको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के हमारे पास तीन ही मेथड है, कौन सा मेथड इसमें अप्लाई करें हम, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लिया 2, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है, कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए, तो 3x माइनस 9y इक्वल टू 33, ठीक है, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 2 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 5, ठीक, माइनस 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 कैंसल, ये हो गया अपना माइनस का 14y इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 28, तो y की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2, y की वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, इसमें पुट, किसी में भी पुट कर सकते हैं, इन इक्वेशन 2, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल टू 11, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5, क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 4, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमको गिवेन है, एक की रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और अभी हम रेडियस ड्रॉ नहीं कर रहे, तो ये हो गया इसका सेंटर। दूसरा एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 6.5 सेंटीमीटर, ओके, दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है 6.5 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड यहां से टच करके जाती है, कॉन्सेंट्रिक मतलब डिफरेंट रेडियस सेम सेंटर, तो एक कॉर्ड है ए बी जो यहां से टच करती हुई जाती है, वो कहता है कि इस कॉर्ड की डिस्टेंस निकालिए, तो आर वन है आपकी 2.5 सेंटीमीटर और आर टू गिवन है आपकी 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये सेंटर लिया हमने ओ, ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, तो ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने यहां से ये, तो अब कोई भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, अब ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो बड़ा सर्कल है उसमें जो कॉर्ड है ए बी उस पर सेंटर से पड़ा हुआ है, तो नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, इट मीन्स ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी, ठीक है, सिंस ए पी इक्वल टू पी बी, ठीक है, आप
इसको हमने ज्वाइन कर दिया ओ ए इन ट्राइंगल ओ ए पी, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री, देयरफोर ओ ए स्क्वायर, देयरफोर ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस अपोजिट स्क्वायर, ठीक है तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ठीक ओ ए कितना है आपका 6.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर ए पी स्क्वायर, ठीक है तो ए पी क्या होने वाली है अपनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6.5 प्लस 2.5 और 6.5 माइनस 2.5 इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 9 मल्टीप्लाई 4, तो ए पी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है देयरफोर ए बी आ गई आपकी 2 मल्टीप्लाई ए पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना इफ अंडर रूट 3 टेन थीटा, इफ अंडर रूट 3 टेन थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, देन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है कैसे निकालेंगे देखो अंडर रूट टेन थीटा इक्वल टू क्या है 1, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, सिंस अंडर रूट टेन थीटा इक्वल टू 1 देयरफोर टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3 देयरफोर टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 30 की होती है शायद टेन थर्टी तो थीटा इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है देयरफोर 2 साइन 30 का स्क्वायर माइनस sec 30 का स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन 30 मतलब 1/2 तो 1/4 हो गया माइनस sec 30 की वैल्यू क्या होती है sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 मतलब 4/3 ठीक इक्वल टू तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1/2 माइनस 4/3 एलसीएम ले लिया 6 यहाँ आ गया 3 यहाँ क्या आ गया 3 कैसे ऐसे माइनस 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 तो ये वैल्यू हो गई -5/6 क्लियर दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 ये प्रैक्टिस के लिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चंस हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं टू नंबर आर इन रेशियो दो नंबर गिवन है हमें 2:3 के रेशियो में, ठीक है और एलसीएम गिवन है 180 वो कहता है कि एचसीएफ बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, भाई हमको गिवन क्या है एलसीएम, तो पहले हम लेट नंबर बी 2x एंड 3x, ठीक है एलसीएम निकाल लो इनका, एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 और एक्स एक्स आ जाएगा आपका 6x इक्वल टू 180 तो x इक्वल टू 30, ठीक है देयरफोर नंबर इक्वल टू नंबर हो गए आपके 60 एंड 90। अब वो कहता है कि एच सी एफ निकाल लिए एच सी एफ कैसे निकालेंगे हम 60 नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 डिवाइडेड बाय एलसीएम 180 कट गया ये और ये आ गया आपका 30 एच सी एफ 30 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेल्युएट 5 कॉस स्क्वायर 60, इवेल्युएट 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल वैल्यू रखेंगे हम कॉस 60 की। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर किया 1/4 हो गया। इसी तरीके से वैल्यू पुट करते रहेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राइंगल चैप्टर से है। आपको ये ट्राइंगल गिविन है, आपको ये ट्राइंगल गिविन है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी, और गिवन है आपको डी ई, डी पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, ये डी ई बी सी के पैरेलल है, और ये रेशियो है एक्स एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन। वो कहता है कि एक्स की वैल्यू निकालिए, तो सिंस डी ई पैरेलल बी सी देयरफोर बाई बी पी टी, बाई बी पी टी ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी के, क्लियर। तो एक्स अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ और ये यहाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, और एक्स प्लस टू की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, तो माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर, कट गया ये, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फोर, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 9। अ लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, एक लाइन है जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पी पर। वो कहता है अ लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस, अ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट पॉइंट पी एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू, एंड एक पॉइंट इसने गिवन है आर, आर बीच में गिवन है जो मिड पॉइंट है किसका पी क्यू का, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, और आर के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 5। तो कहता है कि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, सिंस सॉल्यूशन पार्ट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस आर इज द मिड पॉइंट, सिंस आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ओके, देयरफोर, अच्छा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ऑफ पी क्या होंगे, एक्स एक्सिस को कट करती है एक्स एक्सिस पर एक्स सॉरी वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0, तो 0, y, और क्यू क्या हो जाएगा x, 0, ठीक है। तो ये हो गया 0y और ये हो गया एक्स 0, ठीक। अब मुझे गिवन है कि आर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ऑफ आर, क्या होगा 0 प्लस एक्स अपॉन टू, लेकिन यहां गिवन कितना है 2, तो 2 इक्वल टू 0 प्लस एक्स अपॉन टू और x इक्वल टू 4। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट y की वैल्यू, तो y कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या गिवन है आपको 5, ठीक है, देयरफोर
फाइव इक्वल टू किसके होगा, वाई प्लस जीरो अपॉन टू, वाई प्लस जीरो अपॉन टू, तो वाई की वैल्यू हो गई 10 और पी के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 10 और क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 0। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सर्कल है, यहां ये टेंजेंट डाल दी इन्होंने, कहां से, पॉइंट पी से एक टेंजेंट डाली और ये सेंटर है, और एक सीकेंट इन्होंने ड्रॉ किया, सीकेंट एक सीकेंट ड्रॉ किया इन्होंने, ये वाला, इसको नाम दिया इन्होंने ओ, ये पॉइंट हो गया ए, बी और पी, और ये हो गया अपना सी, इसको इन्होंने यहां ज्वाइन कर दिया। हमको गिवन है एंगल एओसी 130 डिग्री, 130 डिग्री गिवन। क्वेश्चन लिख देता हूं यहां, एंगल एओसी इक्वल टू 130 डिग्री, देन एंगल एपीबी की वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन पार्ट कैसे देखो। एंगल एओसी क्या है, 130 डिग्री, और पीबीओ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, मतलब 50 डिग्री। ठीक है, तो यहां निकाल लेते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल एओसी इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक, इसके बाद सिंस पी ए इज अ टेंजेंट, और टेंजेंट रेडियस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, देयरफोर एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए पी ओ एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 50, मतलब 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर, तो इस तरीके से, इन दिस मैनर वी हैव सॉल्व 10 क्वेश्चंस फॉर सेक्शन बी पार्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से हम सेक्शन सी पर भी करेंगे, और जब तक मैथ का पेपर होता है तब तक इसी तरीके से हम एक्सरसाइज करते रहेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हो सकता है कि आपको इसी पैटर्न पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिले। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।